फोन कॉल और आपके बैंक अकाउंट में जमा पूंजी सारी खत्म हो जाएगी। अगर आपने एक छोटी सी गलती कर दी, किसी पे भरोसा, किसी अनजान पे भरोसा। ये हादसा आपने बहुत बार न्यूज़पेपर और टीवी वगैरह में देखा होगा, पर ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया, आज ही मेरे साथ हुआ। और मैंने सोचा आज ही इस बारे में वीडियो बना के अपने सारे सब्सक्राइबर्स को अवेयर कर दूं, ताकि ऐसी चीज आपके साथ हो तो आप अवेयर हो जाओ, क्योंकि अभी हाईटेक चीजें हो चुकी है। मैंने अभी कुछ ऑर्डर किया था, मुझे किसी ने फोन किया और मेरे घर का पूरा करेक्ट एड्रेस, मेरा पूरा सही नाम बताया। मैंने जो जो ऑर्डर किया था वो सारी चीजें एग्जैक्टली सेम बताई। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी एक्स कंपनी से, जो कि बहुत ही फेमस कंपनी है, मैंने वहां से कुछ सामान मंगवाया, तो उन्होंने एक्स से मैंने वाई जेड चीज मंगाई है, तो उन्होंने कॉल किया, बोला आपने एक्स से वाई जेड चीज मंगाई है। मतलब अगर मैंने 10 चीजें अपने ऑर्डर में रखी हैं, तो 10 चीजों के नाम बता दिए मुझे, और इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन उस आदमी तक पहुंच गई, और उसने फोन करके ये सब बोला मुझे। आगे क्या हुआ मैं आपको पूरी कॉल रिकॉर्डिंग सुनाऊंगी और बताऊंगी कि फिर हमने क्या किया। आप देख रहे हो बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। इससे पहले कि मैं आपको ये पूरा हादसा बताऊं, लेट मी इन्फॉर्म यू कि मैंने अभी शुगर का अलग क्रेयॉन लगाया हुआ है, क्योंकि ये ब्यूटी चैनल है, ब्यूटी टिप्स देना मेरा फर्ज है, तो मैं वो भी आपको दे देती हूँ। तो ये लिप क्रेयॉन मुझ पर बहुत अच्छा लगता है, न्यूड पिंक शेड है, डेली वेयर के लिए, ऑफिस के लिए बहुत अच्छा शेड है, लॉन्ग लास्टिंग, हाईली पिगमेंटेशन, हाई कलर पे ऑफ आपको मिल जाता है, एकदम स्मज नहीं होगा, वाटर प्रूफ रहेगा, तो ये आप ट्राई कर सकते हो और आपके लिप्स चैप्ड आउट भी नहीं होंगे। प्लस टेक वर्क किंग ने लॉन्च किया है अलग अलग शेड्स के कंसीलर्स। फिलहाल मैं आपको 3 शेड्स दिखा रही हूँ, बहुत ही क्यूट पैकेजिंग में आता है, कार्डबोर्ड पैकेजिंग है बाहर से, और ये मिनी कंसीलर है। 235 रेट आपको पड़ता है, पर कूपन कोड यूज करते हो और डिस्काउंट पे लेते हो तो आपको और भी ज्यादा सस्ता पड़ जाएगा। तो जितना भी मैं चीजें आपको दिखा रही हूँ सबका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इनर पैकेजिंग कुछ ऐसी सी है, बहुत ही क्यूट लिक्विड लिपस्टिक जो आते हैं ना स्टेकहोल्ड की, के पैकेजिंग वैसी सी है, पर इस बार इसके अंदर कंसीलर है। इसका एप्लीकेटर वॉन्ड बहुत ही प्रिसाइज है, छोटा है, ट्रेवल फ्रेंडली है, इजीली पर्स में कैरी करके आप बाहर जा सकते हो छोटे मोटे टचअप्स के लिए। वॉन्ड में आप देखोगे तो यहाँ पे ऐसे कर्व भी आया हुआ है, जिससे एप्लीकेशन आपका फैंटेबुलस हो जाता है। तो जब भी आपको हल्का फुल्का लुक क्रिएट करना हो या आपको हाई कवरेज भी देना हो, तो आप इसको यूज कर सकते हो। इसको बस ट्रायंगल शेप में आईज के नीचे, लिप्स अराउंड, नोज अराउंड लगा करके आप किसी भी मेकअप ब्रश से या डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से डैप डैप करके ब्लेंड कर लीजिए अपने फेस पे, एंड यू आर सॉर्टेड फॉर द डे। लॉन्ग लास्टिंग है, पूरा दिन आपके फेस पे टिका रहेगा, कोई केमिकल क्रुएल्टी नहीं है, और काफी अफोर्डेबल और क्यूट पैकेजिंग में आता है, तो आप स्टेकहोल्ड के कंसीलर्स भी ट्राई कर सकते हैं। ये तो हो गया प्रोडक्ट रिव्यू, अब बात करते हैं कि वो हादसा कैसे हुआ। तो इस सुबह की बात थी, और अचानक से एक फोन कॉल आता है। पहले तो जिस तरीके से वो इंसान बात कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि किसी कस्टमर केयर से किसी ने फोन किया है। अक्सर हम बहुत सारे ऑनलाइन ऑर्डर्स प्लेस करते हैं, तो फोन आता है, ये आपका ऑर्डर है, ये सामान हम भेज रहे हैं, रिसीव हुआ या नहीं हुआ, ऐसे कस्टमर केयर के फोन आ जाते हैं। तो कोई सिर्फ पूछे कि आपको प्रोडक्ट मिला या आप सेटिस्फाई हो प्रोडक्ट से या नहीं, तो यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जब उसने बोलना स्टार्ट किया कि आप कि मैं आपको पहले सुना देती हूँ कि उसने क्या बोला, मुझे पूरे डायलॉग्स उसके याद है, और मैं चाहती हूँ आप उसके पूरे डायलॉग सुने और ये देखिए कि किस कॉन्फिडेंस से वो बात कर रहा है। यहाँ मैं उसकी कुछ बातों को बीप कर दूंगी, क्योंकि वो मेरा घर का पूरा एड्रेस बता रहा है, और ऑनलाइन सोशल मीडिया पे अपने घर का एड्रेस देना सेफ नहीं रहेगा, तो वो मैं आपको नहीं बता पाऊंगी। बाकी वो जितनी चीजें बोल रहे ना, सब मैं आपको सुनाऊंगी, ताकि आप अलर्ट रहो कि देखो कैसे कैसे ये लोग फ्रॉड करते हैं। सुनो अब रिकॉर्डिंग। हाँ, तो ये रहा मेरा फोन कॉल रिकॉर्डिंग, तभी मैंने स्टार्ट कर ली थी, अब आपको सुनाती हूँ। वैसे उसकी बात सुन करके ही हम लोग को पता चल गया था कि ये फ्रॉड है, तभी हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी थी। मुंबई, महाराष्ट्र, आई एम राइट सर? हाँ राइट जी सर। सर ये इनका एरिया पिन कोड सर 400 राइट? राइट जी सर। रेखा जी की आप कौन बात कर रहे हैं सर? उनका हस्बैंड जी। इनके नाम पर एक फोर व्हीलर कार आई है, इनके नाम पर सर आपने ऑर्डर किया था, क्या है इनके नाम पर आपने जो आप ही ने ऑर्डर किया था इनके नाम पर, किस चीज का? ये हमारी जो चीजें मैंने ऑर्डर की उन सब चीजों का ये नाम बोल रहा है, ये मैं आपको बीप करके मैं बीप कर दूंगी। लेकिन गाइस हर एक नाम वो सही से ही बताता है कि क्या क्या चीजें मैंने ऑर्डर की हैं। आपको अभी क्या जानना है ये बताओ मुझे अभी।
जी सर, इनके नाम पर जिस टाइम ये हमारी कंपनी में ऑर्डर परचेज कर रही थी रेखा जी, उन्हीं के नाम पर जिस टाइम हमारी कंपनी में जो ऑर्डर परचेज कर रही थी उस टाइम हमारी कंपनी में 82,982 कस्टमर के बीच एक कंप्यूटराइज लकी ड्रॉ का फंक्शन हुआ था जिसमें इनका नाम और नंबर सिलेक्ट होकर के आया। ठीक है। अच्छा। इनके नाम पर जो लकी कूपन आया उस लकी कूपन को स्क्रैच करने के बाद इनके नाम पर एक फोर व्हीलर कार आई है, उस फोर व्हीलर कार की मार्केटिंग अमाउंट 12,60,000 है। ठीक है। ठीक है। इतना सुनते ही वैसे तो पहले ही हमें अंदाजा हो गया था, पर जैसे ही उसने ये कूपन कोड स्क्रैच करो विनर नाम, हमें तभी पता चल गया था ऐसा कुछ नहीं होता है। फोन करके जो आपको बोलते हैं ये फ्रॉड होता है, ये कोई कंपनी नहीं है। इवेंट हुआ है, इवेंट में कौन से इवेंट में जिसमें हम गए भी नहीं, उसमें स्क्रैच भी कर दिया खुद ही, और नाम भी है आप जीत गए हैं, और उसका कार का मार्केटिंग प्राइस बेवकूफ बनाते हैं। तो आपको जानकारी के लिए कॉल किया गया है सर कि आप अपना जीता हुआ प्राइज में से गाड़ी लेना चाहते हैं या उसका मार्केटिंग अमाउंट लेना चाहते हैं। मार्केटिंग अमाउंट दे दो। तो आप मार्केटिंग अमाउंट लेना चाहते हैं? हाँ जी। तो आप मार्केटिंग अमाउंट लेना चाहते हैं सर? जी सर। तो आप मार्केटिंग अमाउंट लेना चाहते हैं सर? मार्केटिंग अमाउंट लेने के लिए सर आपको आपको सर आपको मैं अपनी कंपनी का व्हाट्सएप नंबर नोट करवाऊंगा, उस व्हाट्सएप नंबर पर आपको एक आईडी प्रूफ सेंड करना होगा। ठीक है। व्हाट्सएप नंबर पे क्या आएगा सर? आपको मैं अपनी कंपनी का व्हाट्सएप नंबर नोट करवाऊंगा, उस व्हाट्सएप नंबर पर आपको एक आईडी प्रूफ अपना सेंड करना होगा। ठीक है। जी, जैसे ही आप अपना आईडी प्रूफ सेंड करते हैं वैसे ही आपको मेरी कंपनी का ऑल डॉक्यूमेंट मिलेगा। ऑल डॉक्यूमेंट के रूप में मेरा डॉक्यूमेंट रहेगा, मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड, जॉब आईडी, आइडेंटिटी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस मेरा। ओके। जी, आप पहले मेरी कंपनी का ऑल डिटेल वेरीफाई करवाएं सर, और आपका जो आवाज में कॉन्फिडेंस देखो, ये लोग ऐसे रोज एक दिन में 100 लोगों को फोन करते हैं, कॉन्फिडेंस इतना आ जाता है कि बस पूछो मत। आपको पहचानना पड़ेगा कि ये फेक है, इन सब चीजों पे शॉर्टकट में कभी मत जाओ। आपका जो हमारी कंपनी में लिंक आया है सर, वो लिंक रेखा जी के नाम पर जो आया है वो लिंक आपके व्हाट्सएप पर सेंड किया जाएगा। पहले आप उस लिंक को लॉगिन करें, लॉगिन करने के बाद सर आपके आपके नाम पर जो प्राइज आया है रेखा जी के नाम पर उस प्राइज का ऑल इन्फॉर्मेशन उनको मिलेगी। कोई भी अनजान आदमी आपको फोन करे और बोले कि आप लॉटरी कूपन कैश मनी जीत गए हो, मैं फलाना फलाना लिंक आपको भेज रहा हूँ, वहाँ आप क्लिक करोगे तो जीत जाओगे, तो वो फ्रॉड होता है, मत करना कभी भी ऐसी गलती। कोई भी अननोन नंबर से आपको बोले कि QR कोड स्कैन कर लो और ऐसे पेमेंट कर दो, अननोन लोगों पे अननोन नंबर्स पे भरोसा मत करना। पहले वो इंफॉर्मेशन आप पढ़े, पढ़ने के बाद आप अपना प्राइज इशू करवाएं। ओके। अच्छा। तो आप अपना रेखा जी आप अपना प्राइज इशू करवाना चाहती हैं या कैंसिल करवाना चाहती हैं? वैसे ये फ्रॉड करके आप लोग कितना कमा लेते हो? कौन सा फ्रॉड? जो आप कर रहे हो ये फ्रॉड, वही करीब 1.5 लाख रुपया एक महीना। सुना आपने क्या कहा इसमें? मुझे पता था ये फ्रॉड है, प्रिंस को भी पता था, हम लोग बस बातें करके उससे बातें निकलवाना चाहते थे, इसीलिए मैंने गुस्से में नहीं बहुत प्यार से पूछा, क्योंकि मुझे लगा कि शायद प्यार से बोलने से वो जवाब दे देगा, गुस्सा करते तो वो बताता नहीं, तो मैंने पूछा। तो वैसे ये फ्रॉड करके आप लोग कितना कमा लेते हैं, कितना चौड़े होकर के उसने बोला 1-1.5 लाख कमा लेता हूँ मैं, कॉन्फिडेंस देखते। एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, किसी की मेहनत की कमाई को झूठे तरीके से उसके बैंक से चुरा लेना और इसमें फक्र महसूस करना, क्या कमाल के चोर है, डिजिटल चोर। अच्छा, तो फिर अभी आप क्यों फ्रॉड कर रहे हो, क्या मिलेगा आपको ऐसा फ्रॉड करके? तुम काम दोगे? हाँ, तुम काम दोगे? नहीं, 1-1.5 लाख रुपए कमा लोगे आप, तो आपको क्या लगता है ऐसी कमाई से क्या होगा, आपके बच्चे फैमिली अच्छे खासे रह पाएंगे जिंदगी में, तरक्की कर पाएंगे लोग? वही तो बोल रहे सर कि आप अपना आप मुझे कुछ काम देंगे, मैं आऊँ? अरे कितने पढ़े लिखे हो ये बताओ आप, पहले तो मुझे ये बताओ। सर मैं BA Honors किया हुआ हूँ, BA Part 3 तक पास हूँ। तो कितनी बार आपने ट्राई किया नौकरी के लिए? एक बार भी नहीं। तो क्यों नहीं ट्राई करते, इतनी पढ़ाई लिखाई की ट्राई क्यों नहीं करते आप? ये मुझे यही काम बहुत अच्छा लगा, ठीक है, यही काम मुझे अच्छा लगा, तो मैं सोचा बहन की जब इतना पैसा आ रहा है तो यही काम करने में अच्छा है ना, घर बैठे हुए पैसा कमाना। अरे ये तो बताओ, आप किसी का मेहनत का पैसा लेके जाओगे, एक तरह से चोरी है। इतने में ही उसने फोन काट दिया। अगर हमारी जगह कोई और होता और उसको इस बारे में अवेयरनेस नहीं होती तो गाइस इसके सारे पैसे लुट जाते, वो अनजान चोर सब चोरी कर लेता।
इतना हैकिंग एडवांस हो गया है, कुछ भी हैक हो सकता है ऑनलाइन, कोई भी कहीं भी सेफ नहीं है। तो गाइस प्लीज आप अपना ध्यान रखें, अपना ओटीपी पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। कोई भी अननोन नंबर अगर आपको कॉल करे और आपको आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगने की कोशिश करे तो बिल्कुल भी मत देना, ऐसे फोन को डिस्कनेक्ट कर देना। हमने इसकी बकायदा कंप्लेन कर दी है, लेकिन आपको पता है इन सब चीजों की कंप्लेन का बहुत जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता है। पर अपनी तरफ से अगर आप सतर्क रहोगे तो आपके साथ ऐसे धोखे कम होंगे या होंगे ही नहीं। लेकिन मेरे पास ये एक बहुत अच्छा माध्यम है कि हाँ, मैं एक बार एक वीडियो में बोलूंगी, लाखों लोग सुनेंगे और वो अगर शेयर करेंगे तो और लाखों लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन जाएगी और बहुत सारे घर बर्बाद होने से, लुटने से, डिजिटली चोरी होने से बच पाएगी। तो ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज इसको शेयर कीजिए। पूरी रिकॉर्डिंग मैंने आपको सुनाई है, इस तरीके का हादसा और किसी के साथ ना हो यार, एटलीस्ट मेरे सब्सक्राइबर्स के साथ तो ना ही हो, क्योंकि उनको अब पता चल चुका है कि ऐसे चोरों के साथ अवेयर रहना चाहिए हमें। ठीक है गाइस, तो ये था आज का वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको ज्यादा ब्यूटी टिप्स तो नहीं दिए, लेकिन ये चीज ब्यूटी से ज्यादा सेफ्टी है ना, तो सेफ्टी का ध्यान रखें। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए हम डेली व्लॉग्स डाल रहे हैं, मेरा ब्लॉग चैनल है मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस, जहां मैं अपने हस्बैंड के साथ ब्लॉग्स बनाती हूँ, होम डेकोर और प्रेगनेंसी से रिलेटेड फिलहाल ब्लॉग्स में बना रही हूँ, तो वो आप जरूर चेक कर लीजिएगा यहाँ पे क्लिक करके। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय गाइस।